हम लोग नीचे से वहाँ से चल के अभी यहाँ पे आके बैठे हैं, और रियली स्नो में चलना इज़ नॉट ईजी, बहुत थकावट होती है। एक्चुअली मनाली है 8000 फीट पे, सो कैसे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सो धीरे धीरे चलते चलते हम लोग यहाँ पे आए। वट ना ना तीन कर दो। सो अभी हम लोग यहाँ पे आए, यू कैन सी द व्यू फ्रॉम माय बिहाइंड यू। नीचे है मेन ग्राउंड जहाँ पे सब लोग एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, और अभी हम लोग है यहाँ पे। थोड़ी थक गई है चलते चलते, ज़्यादा कुछ नहीं जाना, बस यहीं तक जाना है। ये देखिए यहीं पे जाना है आगे, मतलब कैसे थोड़ा सा अच्छा बर्फ में मिलेगा। हम लोग यहाँ पे आए और इसने ऐसे बर्फ कुछ उड़ाया कि ना पूरा भीग गया, मेरे सनग्लासेस वगैरह सब भीग गए, अंदर बर्फ चली गई। सो और ये महारानी हमारी ऐसे सो के कॉल कर रही है सबको। सो अगर इतनी बर्फ रहेगी ना, सो इट्स बेटर कि आप ये जो स्नो में जो फुल बॉडी सूट मिलता है वो पहन के आइए, क्योंकि कैसे हम जीन्स वगैरह पहनेंगे तो यहाँ पे भीग जाएंगे आप। शूज़ भी आई थिंक आप कैरी कर लीजिए, यहाँ से ही 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग घोड़ा लेके जो शिव मंदिर है वहाँ पे चले जाए, और दैट विल बी द एंड ऑफ आवर सोलांग वैली। यहाँ पे थिंग इज़ यहाँ पे है ना कुछ भरोसा नहीं है पैराग्लाइडिंग आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, सो मेक श्योर कि आप पूछ के आइए, क्योंकि यहाँ पे जो रोपवे है वो ख़राब है आज, तो पैराग्लाइडिंग वहाँ से नहीं हो रही है क्योंकि रोपवे से ऊपर जाना पड़ता है, और जो छोटी वाली पैराग्लाइडिंग है वो 1000 वाली वो बहुत ही छोटी है, आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, आप 2-3 मिनट में नीचे आ जाओगे। बड़ी वाली आपको 10 से 15 मिनट आपको ऊपर रखती है, सो इट्स रियली वर्थ इट। नहीं तो यहाँ पे आप कुल्लू में कर सकते हैं, कुल्लू में अगर करेंगे तो, बट वहाँ पे व्यू नहीं मिलेगा, यहाँ पे सोलांग वैली का जो व्यू मिलता है ना पैराग्लाइडिंग है, दैट इज़ अमेजिंग। ओके चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते आगे जाने की कोशिश करते हैं। ओके स्नो की एक्टिविटी हो गई है हमारी, और नाउ वी आर हैविंग फ्राइड राइस, क्योंकि और कुछ खाने को हो ही नहीं रहा था, और कुछ खाने को हो ही नहीं रहा था, तो फ्राइड राइस फाइनली पेट में जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम हो रहा है कुछ 2 बजने का, स्नो में हम लोगों ने जाके थोड़ा सा टाइम पास करके थोड़ा मस्ती करके यहाँ पे आ गए। तो नाउ बहुत गिरी है वहाँ पे डन, अभी हम लोग सोच रहे थे यहाँ से हम लोग घोड़ा करेंगे और शिव मंदिर जो है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 2-3 साल पहले यहाँ पे आया था तब हम लोगों ने बस पैराग्लाइडिंग किया था, और वो भी 2000 में किया था, और वो टाइम पे इतना पैसा नहीं था क्योंकि लद्दाख राइड पे थे हम लोग। सो अभी हम लोग जाएंगे और शिव टेम्पल देख के आएंगे। अभी हम लोग आए हैं घोड़े के लिए, और 2 घोड़े हम लोगों को मिले हैं अराउंड 700 में। हाँ ग्लव्स गला था। चलो भैया आ, क्या नाम है इनका भैया? इसका नाम चेतक है भैया। अच्छा टार्जन है। अरे बाप रे टार्जन, तो चेतक पे जाएगी मेरी भक्ति और टार्जन पे जाएगा मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रॉकी है भैया। रॉकी, सो दिस इज द वे द हेल्प यू यहाँ पे पैर डालो, आ गया तो क्लोज आ रहा ये जब करना वट, और ये हमारी दुल्हन बैठ गई। तो टार्जन भाई यूट्यूब पे आने वाला है तू, प्यार से लेके जाना। ओके सो पहले याक की सवारी और अभी घोड़े की। Ready?
स्टेप बाय स्टेप ये जो बना के रखा है ऐसे स्टेप्स बना के रखे हैं बड़े बड़े, तो ये एक्चुअली जो अटल टनल है तो उसका जो भी अटल टनल बनाते टाइम जो भी उसका मड था जो भी मिट्टी थी तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पर डंप कर दिया है और अभी उसके ऊपर बर्फ़ जमी है। तो पता नहीं शायद बारिश जब भी स्टार्ट होगी तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। राइट चल भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू तामंग। अच्छा सो राजू भाई हमको लेके जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा अभी एकदम पतला हो गया है, एटीवी के लिए वो वाला रोड है और घोड़े के लिए ये वाला, बहुत बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पे। यस कश्मीर इज ऑल्सो, बट कश्मीर इज मोर ब्यूटिफुल, शायद शॉर्टकट है। बाग बत्ती इकड़े इकड़े, मजा आ रहा है? यस इसीलिए तो मैंने शादी की थी। अच्छा इसीलिए शादी वो है टेंपल पर जहाँ के लिए हम लोगों ने ये बहुत ही बढ़िया से घोड़े लिए थे। यस ये जो माउंटेन है उसके ऊपर रोहतांग पास है। मेरे पीछे वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं दैट इज रोहतांग पास, जो अभी बंद है ना भैया? रोहतांग पास तो बंद है ना? बंद है सर। अच्छा बंद है, और अभी हम लोग एकदम मस्त कॉर्नर से हमारा घोड़ा जा रहा है। नॉट स्पोर्ट्समैन तो यहाँ तक चल के मत आइए, हालत ख़राब हो जाती है। हम लोग बस वहाँ से तो घोड़े दिख रहे वहाँ से यहाँ तक चल के वो सांस फूलने लगी। हाँ बहुत खूबसूरत है ये जगह देखने के लिए, बट मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ इस चीज़ों का इस्तेमाल करें, मतलब गाड़ी से आया नहीं तो घोड़े से आए, चल के मत आए। अगर स्पोर्ट्समैन है आप तो चल के, मेरे हाथ एकदम पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। हाँ यस हाँ इतना नहीं है बट आई थिंक आगे जाके मैं शायद वो टाइम आके मुझे पहनना पड़े। हाउ अबाउट यू, हाउ वाज द हॉर्स राइड? मोस्ट कंफर्टेबल राइड, एटीवी वालों से तो बहुत ही अच्छा राइड है। हाँ एटीवी वालों से तो बहुत ही अच्छा राइड है। यस एटीवी जो धड़ मतलब आई विल चूज हॉर्स राइड ओवर दैट गाड़ी एटीवी, क्योंकि कैसे रोड बराबर नहीं है तो जब भी एटीवी आती है तो पूरा हिला के पूरा ऐसा हिल के आती है तो आपकी कमर पहले चली जाएगी, बट घोड़ा इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, संभल के धीरे धीरे प्यार से, और सस्पेंशन हॉर्स का बहुत अच्छा है, उसके लेग्स बहुत अच्छे हैं। सो घोड़े से आइए और अभी हम लोग आगे जाते हैं। आई थिंक वी आर ओके नाउ, लेट्स मूव, क्योंकि अभी यहाँ से तो सीधा रोड ही है। हळू बॅलन्स करत